नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, लेकिन एक बड़ी खबर बता रहा हूं, चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार लिखते हैं कि यूपी के ही तीन लोगों को चुनाव आयोग में क्यों डाला, मोदी जी खुद बन जाते, जेपी नड्डा बन जाते या संबित पात्रा बन जाते, क्या है पूरा खेल बताऊंगा। और जातिवाद, अब तक जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जातिवाद के शिकार हो रहे थे, यूपी में योगी राज में 15 प्रोफेसर की भर्ती में 11 ठाकुरों को बहाल कर दिया गया, मतलब पंडित जी के साथ भी जातिवाद हो गया और आरक्षण तो हवा हो गई। वही यूपी में ही बीजेपी के एक बड़े नेता का विकेट गिरा। जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं वो अलग हो रहे हैं। मैं बता दूं, आजाद भारत में पहली बार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इतना एकजुट नहीं हुए थे। किसान आंदोलन की वजह से सिख नाराज है, मुसलमान ऑलरेडी नाराज था, ओबीसी की इतनी पिटाई हुई है बीजेपी राज्यों में, जो कांग्रेस हल्का फुल्का करती थी बीजेपी ने खुलेआम किया, और अब तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लगने लगा है कि एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो सबकी बारी आएगी। तो यह भी बड़ी खबर है, और ये तीन खबरें पहले मैं आपको बता दूं, और मामला है ये बहुत बढ़िया खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। सोशल मीडिया पर क्या और खबरें चल रही है वो भी मैं बताऊंगा। और एक और खबर है कि एक चेतन कुमार है, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, उनमें कर्नाटक में केस दर्ज हुआ है, और एक आईपीएस पर भी एक अंबेडकरी संस्थान चलाने के लिए केस दर्ज हुआ है। तो मनुवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो भी अपनी लड़ाई को बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कितना पहले, इससे पहले कभी भी बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं हुए थे, इतना सशक्त नहीं हुए थे, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब बहुजन समाज के लोग जो है वो दबने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर वो डरने वाले नहीं हैं। और वो तमाम खबरें मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं बांदा की। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 नियुक्ति, 11 एक ही जाति के, बिफरे बीजेपी नेता ने लिखा पीएम को खत। अब ये जो पीएम को खत जो लिखा इन्होंने, ये क्यों लिखा है, सोचिए, ये पिछड़ी जाति के नेता थे, वहां आरक्षण खत्म हो गया। ये देखिए बड़ी खबर है, बीजेपी नेता बृजेश कुमार प्रजापति ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि नियुक्तियों में आरक्षण से जुड़े नियमों की सरेआम अवहेलना की गई, उनकी मांग है कि इससे जुड़े विज्ञापन को निरस्त करके फिर से प्रक्रिया शुरू की जाए। तो सोचिए कि यह भी 11 ठाकुरों की भर्ती हो गई, ब्राह्मण भी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी तो है ही नहीं, चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में बांदा कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर बीजेपी का एक धरा इस कदर खफा हुआ है कि सीधे पीएम को खत लिख दिया, लिख कर गुहार कर दी। मोदी क्या करते हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बखेरे का बाद तमाम वर्ग सरकार से नाराज तो होंगे ही, चुनाव सिर पर है तो बीजेपी को खामियां उठाना पड़ेगा। दरअसल जो विवाद खड़ा, बांदा कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्तियों 15 प्रोफेसरों का चयन सरकार ने किया, यहां तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक लिस्ट की बारीकी में देखे तो इनमें से 11 एक ही जाति यानी ठाकुर है, महकमे के मंत्री भी ठाकुर हैं, लिहाजा सवाल तो खड़े होंगे ही, बीजेपी खुद को सभी वर्गों की पार्टी बताती है। तो ये स्थिति, और प्रजापति जी ने है इसको कंप्लेन कर दिया है। और यूपी में एक बड़े पटेल नेता की एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी में, तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग जो है वो काफी संख्या में अब जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। और अब बात यूपी से ही, 3 अधिकारी चुनाव आयोग में रखे गए हैं, और तीनों को तीनों जो हैं वो एक ही राज्य से हैं। दीपक शर्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, दीपक शर्मा बड़े पत्रकार हैं और अब आजकल वो बोलने लगे हैं, और श्रीनिवास ने भी ट्वीट किया है, और ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, चौंकाने वाला है। दरअसल ये इनको अब लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के पन्ना प्रमुख हैं, अमित शाह का कॉन्सेप्ट है कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट। पहली बार चुनाव आयोग के 3 बड़े अधिकारी सुशील चंद्रा, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनूप पांडे तो कई साल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, तीनों अधिकारी बीजेपी के करीबी हैं। साहब 2022 की बाकायदा जबरदस्त तैयारी है। ये देखिए ये 3 लोग जो हैं वो बनाए गए हैं। इसको लेकर सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार ने लिखा है कि इससे अच्छा होता कि चुनाव आयोग में एक संबित पात्रा, एक जेपी नड्डा और एक प्रधानमंत्री मोदी बन जाते, वो ज्यादा अच्छा होता, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे ज्यादा ये देखिए संजय सिंह ने ट्वीट किया, ये है टैलेंट है या जातिवाद।
तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था कि जो सोशल मीडिया पर आज फेमस है, आज सबसे ज्यादा चल रहा है। और अब दूसरी सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, बीजेपी के बड़े नेता, ये देखिए सबसे बड़े नेता बीजेपी के, ओबीसी समुदाय के, पटेल समुदाय के, भाजपा की जनविरोधी नीतियों, कुशासन और जातीय भेदभाव से त्रस्त जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और बेबरू बांदा से भाजपा विधायक रहे श्री रविशंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेने के अलावा, तो देखिए सबसे बड़े नेता जो है वो बीजेपी में शामिल, बीजेपी को छोड़ दिया है। लेकिन ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ये खबर आपको इसलिए नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि इससे बीजेपी को डेंट लगता है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे, किसी भी दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल होंगे तो ये दिखाया जाएगा, लेकिन कोई बीजेपी का नेता शामिल होगा तो नहीं दिखाया जाएगा। और इसी में एक और पॉलिटिकल बड़ी खबर है, राकेश टिकैत। टिकैत की तस्वीरें देखिए, पीछे देखिए यशवंत सिन्हा है, पूर्व आईएएस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। किसान आंदोलन में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी को अब छोड़ने वाली नहीं है। वही दूसरी तरफ हरियाणा में जो केस, हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों से माफी मांग रही है और केस वापस ले रही है। सोचिए ये इस कदर से बीजेपी की हालत है, तो लगभग रसूख टूट गया है अमित शाह और मोदी का। वो लगातार 5 राज्यों के चुनाव है, 4 पर उनका कब्जा है, उत्तराखंड पर कब्जा है, यूपी पर कब्जा है, मणिपुर पर कब्जा है, गोवा पर कब्जा है, पंजाब उनके हाथ में नहीं है। एक बंगाल के चुनाव ने उनकी जमीन खिसका दी है। वही कोरोना की महामारी से लोग आहत हैं सर्व घर में। बिहार में एक ही दिन में पहले आंकड़ा दिखाया गया कि 5,000 के लोग की मौत हुई और एक दिन में कहेगा कि 10,000 लोग, मतलब एक ही दिन में 5,000 मर गए। तो पूरे देश में कोरोना से मौतों को छुपाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि लगभग 70 लाख लोगों की मौत हुई है। सीरीज लिखते हैं कि यूपी में 66,000 गांव, अगर एक गांव में भी 6 लोग मरे हैं तो कम से कम 6 लाख की मौत तो यूपी में हुई है। राज से चीख चीख कर कह रही, लेकिन ये सरकार सब कुछ छुपा रही है। पेट्रोल सोचिए 100 के पार है कई जगहों पर, डीजल 100 पहुंचने वाला है, सरसों तेल 200 के है। उसके बाद भी केंद्र की सरकार चुनाव की रणनीति बना रही है। अब जाकर कोरोना के टीका कह रहे हैं कि 21 जून से सबको मिलेगा। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि टीका खरीदिए और राज्यों को दीजिए। अब राहुल गांधी ने कहा है कि क्या सिर्फ इंटरनेट पर जो इनरोल करेगा उसी को टीका लगेगा, जिसके पास इंटरनेट नहीं उसको नहीं। ये बात सबसे पहले दिलीप मंडल ने उठाई थी। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम दलों को सोचना पड़ेगा। इस देश का जो जनरल कैटेगरी है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देते। और आज के समय में ब्राह्मण समाज के अलावा शायद ही कोई ऐसा बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ है। बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग जो है वो जीएसटी से परेशान है, कोरोना में सबसे ज्यादा आहत हुए हैं, वो परेशान है, उनका दुकान डलिया बंद हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हकमारी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हुई है, इसलिए ओबीसी के लोग लगातार चला रहे हैं कि न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए सबसे बुरा वक्त है, लेकिन वो तेजी से एकजुट भी हो रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।